तो अब कल जो पिछले जो वीडियो में हमने स्केलर वेक्टर का जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन का जो फार्मूला है उसका रिजल्टेंट का जो कि हमने निकाला था एक आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसा कि उसमें भी बताए थे कि एडिशन करने के दो रूल हैं, एक रूल है जिसमें कि तुमको ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहते हैं, दूसरा हो गया जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो तुम्हारा जो ये है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में याद होगा कि तुमको करते थे एक वेक्टर का हेड और दूसरे का अगर टेल ज्वाइन करता हो तो उसे ट्रायंगल फॉर्म कर देते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखते हैं इसका डायग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ तभी लागू होगा जब दो वेक्टर के टेल मैच कर रहे हो एक सतह पर, जैसे कि ये वेक्टर है और एक वेक्टर जिसको इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है तो एक वेक्टर के हेड हैं, एक वेक्टर दोनों वेक्टर का टेल जो है एक जगह पे मैच कर रहा है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ओ ए वेक्टर है तुम्हारा और ए है तुम्हारा, ये ओ बी वेक्टर है। इन दोनों का देखा जाए तो इन दोनों को ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ में होता था कि एक वेक्टर का हेड और दूसरा का, एक वेक्टर का हेड और दूसरा का टेल यहाँ से मैच करता था। अगर कंबाइन करते थे तो उसके लिए हम तो ट्रायंगल लॉ लगा देते थे। और अगर ऐसा सिचुएशन हो जब दोनों का क्या हो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर का एंगल जब भी लिया जाता है दोनों के टेल के बीच में या दोनों के हेड के बीच में रहता है, कभी एक का वेक्टर का हेड और एक का टेल के बीच का एंगल को उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं कहते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब, कोई अगर ये कहता हो ये एक वेक्टर इधर है ए और एक वेक्टर ये है बी, तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है इट इज़ नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं है, इट इज़ नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बल्कि चूंकि इसका हेड आ रहा है, इसका हेड है और इसका यहाँ पर क्या है टेल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका एंगल नहीं कहलाएगा। तो दोनों का जब इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे इस ढंग से जैसा कि पिछले वीडियो में देखा भी था, तो ये कहलाता तुमको एंगल बिटवीन द वेक्टर, इट इज़ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सोन टू वेक्टर्स। और इसको एंगल कहना क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर है दोनों का टेल मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक है तो ये थीटा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए इसके पैरेलल और इसके इक्वल, इस वेक्टर के पैरेलल जिसको हम लोग ए वेक्टर अगर कहें और इसे हम लोग बी वेक्टर कहें, तो ए वेक्टर के पैरेलल एंड इक्वल यहाँ पर ज्वाइन कर दो, ए वेक्टर के पैरेलल एंड इक्वल, और दूसरा का यहाँ पर से क्या कर दो, यहाँ पर इसका पैरेलल और इसके इक्वल इधर ऐड कर दो, इसको बढ़ा दो, इसके पैरेलल एंड इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर के, ये भी तुम्हारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये भी ए वेक्टर के पैरेलल आपने ड्रॉ किया तो इट इज इक्वल, और लाइन लेंथ में हमने इक्वल किया तो ये तुम्हारा इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो सी। तो ये जो तुम्हारा हो गया इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल हम लोग इसका ड्रॉ करें जो कि इधर से जा रहा है, ये डायगोनल तुम्हारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा, दैट्स इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स, ये पैरेललोग्राम का हमने बनाया एक के पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, इसके पैरेलल यहाँ बनाया, जब दो वेक्टर जिसके कि क्या इक्वल हों, जिसके कि हमको जिसके कि टेल मैच कर रहे हों, उन दोनों के बीच का क्या अगर रिजल्टेंट उन दोनों का फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, दोनों के टेल का अगर ज्वाइंट कर रहा है तो दोनों से पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा एक डायगोनल जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका, उस वेक्टर का रिजल्टेंट शो करेगा। और जहाँ तक कि अगर इधर से देखें तो ये पहले जैसा ही ट्रायंगल जैसा ही लग रहा है ए बी, और ये तुम्हारा एंगल ये क्या होगा, तुम्हारा थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसकी और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया,
ये थीटा ही होगा। तो अगर ये देखें तो हमने जो अभी थोड़ा ट्रेंगल ऑफ एडिशन जो हमने बताया था यहाँ से पटमगढ़ डाल करके, तो जो यहाँ से देखें तो बात तो एक ही है, तो फार्मूला तुम्हारा उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो डायग्राम जो ग्राफिकल प्लॉटिंग होगा उसमें डिफरेंस आता है। तो इसमें भी जो तुम्हारा फार्मूला होगा रिजल्टेंट का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो कि पिछले में आएगा तुम्हारा सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और ये रिजल्टेंट आर अगर इससे एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन ए बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये जो डायग्राम बना हुआ था इसको फिर से देखो, ये क्या तुम्हारा, ये रिजल्टेंट का फार्मूला होगा। तो याद करो इसमें अगर तुम्हारा दो, अगर एक का फिर ये पैरेललोग्राम लॉ हुआ, और अगर ट्रायंगल लॉ में था ये फिगर, फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, एक इधर है, एक का हेड है, दूसरा का टेल है, तो इसको एक ट्रायंगल से बना देते थे ऐसे। तो बात है फिगर तुम्हारा अलग बनता है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और ये दोनों के बीच का एंगल ये कहलाता है, जाहिर है कि इसका ये हेड और इसका टेल है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते इसका टेल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये भी एंगल कहलाएगा। तो ये जो तुम्हारा है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये डायग्राम का तुम्हारा ये ट्रायंगल लॉ हो गया, ये ट्रायंगल लॉ का हो गया, ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ। तो दोनों तुम्हारा लॉ समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक आध एडिशन ऑफ वेक्टर पर तुमको एक आध क्वेश्चन बताते हैं, और ये बात ध्यान रखोगे वेक्टर का कौन सा एंगल कहलाएगा और कौन सा नहीं कहलाएगा, या तो दोनों के हेड के बीच कर लो या दोनों के टेल के बीच कर लो, एक का हेड और दूसरे के टेल नहीं ले सकते वेक्टर में, ये बात ध्यान रखोगे एंगल लेने में। चलो तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस लॉ पर। जैसे कि तुम्हारा एस सी वर्मा के बुक में तुम देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब पर तुम्हारा दिया हुआ है, जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर पर ही है। तो उसमें से एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, देखो एक्सरसाइज जो है तुम्हारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एस सी वर्मा के बुक का, उसका एक हम एग्जांपल लेते हैं देखो बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर वन में तुम्हें देखो बुक में है तुम्हारा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, और वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 3 यूनिट है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 3 यूनिट का है, और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 20 डिग्री। एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री, इसका वैल्यू को मान लो ए वेक्टर मान लो इसका। और एक दूसरा वेक्टर है जैसे कि जो कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तुम्हारा 110 डिग्री, ये इसका मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसका मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 4, ये बी वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये बी वेक्टर, इसको मान लो जिसका यूनिट है 4 यूनिट, और ये क्या होगा बी वेक्टर। तो तुम्हारा इसका क्या करना है, इसको तुमको इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर दो, इसका पैरेललोग्राम फॉर्मेशन होगा, चूंकि दोनों का टेल तुमको ये दोनों वेक्टर है दोनों का टेल मैच कर रहा है, दोनों का टेल एक जगह पे कंबाइंड हो रहा था, इसका पैरेललोग्राम फॉर्मेशन करो। ये तुम्हारा ये 110 डिग्री, ये एंगल जो बन रहा है इसका दिया हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा, ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। तो ये जो पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं इसके द्वारा पैरेललोग्राम, इनफैक्ट ये तो देख लो ये पैरेललोग्राम जो बन गया तुम्हारा यही इसका, तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा ये तुम्हारा क्या बता देगा, इसका रिजल्टेंट को बताएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा तेरा, ये आर वेक्टर होगा। तो ये आर वेक्टर होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, ये 4 यूनिट है और ये तुम्हारा हो गया ये 3 यूनिट के इक्वल होगा। तो रफली हमने डायग्राम ड्रॉ किया, थोड़ा बहुत तो उसमें देख सकते हैं, टू दी स्केल नहीं है, बट ये तुमको लगभग क्या हो जाएगा ये, और ये इस एंगल को तुम रिजल्टेंट वेक्टर जो बनाएगा ये एंगल अल्फा हो गया, और थीटा कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, देखो ये 110 टोटल एक्स एक्सिस से है और ये 20 है इससे, तो थीटा इक्वल्स टू दोनों के वेक्टर के बीच का 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा थीटा निकल गया, और ए इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 3 है, इक्वल्स टू 3 यूनिट 3, और बी का मैग्नीट्यूड है 4। तो हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पर जाहिर है कि ये तो डायग्राम में देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर कितना होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 9 प्लस 16
इक्वल्स टू रूट 25 इक्वल्स टू 5 मीटर, ये हो गया। और जहाँ तक कि ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एक्स ए वेक्टर से ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 90 बाय ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री, या ए प्लस बी कॉस थीटा होता, तुम्हारा थीटा का वैल्यू यहाँ 90 इसलिए ये रख दिया, और ए का बी है तुम्हारा 4 कॉस 90, ए बी साइन, बी हो गया तुम्हारा साइन 90, दैट इज हो गया 1 बाय 3 प्लस 4 इंटू कॉस 90 जीरो इक्वल्स टू 4/3। तो 4/3 का वैल्यू जहाँ तक एस सी वर्मा के बुक में तुम याद करो, टेन अल्फा इक्वल टू 4/3 है, तो इसका वैल्यू होता है टेन अल्फा इक्वल्स टू 10 53 डिग्री, तो अल्फा इक्वल्स टू 53 डिग्री फ्रॉम ए वेक्टर, इसका रिजल्टेंट का। तो एंगल विद एक्स एक्सिस कितना हो गया, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस बराबर 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 73 डिग्री। तो चलिए ये तो हो गया, तो रिजल्टेंट तुम्हारा कितना हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया और ये डायरेक्शन निकल गया 73 डिग्री एक्स एक्सिस से, और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 5 मिनट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल का हो गया, इसमें समझ में आ गया होगा कि सर एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है रिजल्टेंट, और ये तुम्हारा टेन अल्फा इक्वल टू 4/3 का वैल्यू होता है 53 डिग्री, और 3/4 होगा 37 डिग्री, और टेन अल्फा का इसको जैसे पी बाई एच बी बाई एच करोगे तो साइन 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन 53 का 4/5 हो जाएगा, और कॉस 53 का 3/5 हो जाएगा, और साइन 37 का कम होगा 3/5 और कॉस का 4/5 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट उसका सबका वैल्यू याद रख सकते हो। उसका एस शर्मा का जैसे एस शर्मा की बुक में तुमको जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जैसे प्रयोग करते हो, और उसी टाइप से ये 37 और 53 का भी यूज़ किया गया है। तो ये तुम्हारा पहला एग्जांपल, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। डायग्राफिकली भी यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लॉ का के द्वारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाला गया, डायरेक्शन यहाँ जो फिगर में दिख रहा है और उसका फॉर्मूला बैठा दिया गया, तो इसको देख सकते हो। फिर दूसरा भी क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिकोनोमेट्री का टूल्स का यूज किया गया है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है, लेकिन उसका आंसर को पुराने के लिए तुमको जैसे कि उसमें जो एक फार्मूला भी जो मैथमेटिकल टूल्स में तुम्हें जो कि वीडियो है इसका जो फिजिक्स के लिए जो यूज किया गया है, जो वीडियो होगा मैथमेटिक्स ट्रिकोनोमेट्री के लिए जो मेरा वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें तुमको मैथमेटिक टूल्स में ये सब फार्मूलाज मिल जाएंगे। जो दो नंबर के लिए मैं हिंट कर देता हूँ सिर्फ कि उसमें तुम एक फार्मूला होता है 1 cos 2θ इक्वल्स टू 2 cos²θ, जिसका यूज कर सकते हो 2 cos²θ। जैसे कि तुम्हारे क्वेश्चन 30 डिग्री है तो 2θ उसको मानोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, इसका यूज कर सकते हो। ऐसे इसी से जुड़ा हुआ एक आधा और फार्मूला मैं ट्रिकोनोमेट्री का लिख देता हूँ तुम्हारे यूज के लिए, 2 sin²θ, और ये साइन 2θ इक्वल टू होता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। ये तीन ये इसका तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दो फार्मूला इसका इसमें अगर यूज करोगे तुम्हें आंसर को प्राप्त करने में इससे हेल्प होगा। तो ये तुम्हारा हिंट हो गया, और बाकी तुम्हारा तो फार्मूला पढ़ ही बैठेगा। 30 डिग्री का उसमें वैल्यू, उसमें जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री तुम्हारा, एक 60 बना रहा है एक 30, तो एंगल जो तुम्हारा यूज करोगे तो वहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 30 है, 30 का वैल्यू नहीं रख के इस फार्मूला पर एडजस्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, और फिर जो तुम्हारा एंगल निकालें उसमें इसकी मदद पड़ लेनी होगी। ये तुम्हारा हिंट हो गया क्वेश्चन टू का, और आई थिंक तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इसमें का दो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और थर्ड में तुमको दो वेक्टर दिया, तीन वेक्टर दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है तुमको कि दो का रिजल्टेंट पहले निकाल लोगे किसी दो का, जिस जो भी तुम्हें होगा, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसके रिजल्टेंट से तीसरा का रिजल्टेंट निकाल लेना, तो वो भी बन जाएगा तुम्हारा। और जहां अगर दिक्कत हो तो लाइव क्लास में आकर के हमसे तुम कर सकते हो, राइट के ऐप पर जाकर के उसका बात कर सकते हो, उसमें तुम्हें क्लास मिल जाएगी। और इतना वीडियो में हिंट दे दिए, तो ये तुम्हारा दो कुछ क्वेश्चन हुआ, और एक तुम्हारा था रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल्स टू रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा फोर आर मैक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू वन। चूंकि थीटा का वैल्यू ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है वन और सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है माइनस वन, तो सबसे अगर ज़्यादा वैल्यू लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम मतलब मैक्सिमम के लिए हम लोग इसका वैल्यू वन ले लेंगे। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का मॉड ए प्लस बी दोनों का आर मैक्स हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा आर मैक्स का वैल्यू हो गया, तो आर मैक्स यही तुम्हारा हो गया आर मैक्स इक्वल टू दिस। तो फॉर मिनिमम क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर फॉर मिनिमम आर इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन, फॉर मिनिमम फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर कॉस थीटा बराबर माइनस वन, तो आर मिनिमम बराबर क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू माइनस वन, तो आर मिनिमम बराबर रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर मिनिमम क्या होगा तुम्हारा मॉडुलस ए माइनस बी, जो इसमें बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा दोगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल सकता है और ये मिनिमम वैल्यू होगा तुम्हारा। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक वेक्टर है दो वेक्टर हैं जिसके कि मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होगा, दो वेक्टर का एक ए का मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं 5 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, तो इसमें से चार में से कौन रिजल्टेंट हो सकता है। तो देखो इसका जो रिजल्टेंट होगा चार में से कौन रिजल्टेंट नहीं हो सकता अगर ऐसा पूछा जाए। एक दिया हुआ है तुम्हारा 3 यूनिट, दूसरा दिया हुआ है तुमको 7 यूनिट, तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन 12 यूनिट और चौथा दिया हुआ है 15 यूनिट। तो अगर इसमें देखें तो इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू है रिजल्टेंट का 10 प्लस 5 दैट इज 15 तक आएगा और मिनिमम आएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5 तक। तो ये जो ऑप्शन है तेरा ये जो 3 कभी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल, ये क्या नहीं हो सकता ये आंसर वन नेवर, ये नहीं हो सकता बिकॉज ये मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 15 है, तो ये मैक्सिमम के ये सब नीचे ही है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में पड़ रहा है, ये ठीक है ये नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। तो रिजल्टेंट का तुम्हारा जहाँ तक है ये हो गया, बाकी तुम क्वेश्चन किसी भी बुक से बनाओ उसमें जो है तुमको इसके लिए तुम जो है आकर के लाइव क्लास में तुम इसे पूछ सकते हो। जो वीडियो है इसमें ये खत्म इसको रिजल्टेंट का इसका खत्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को। सब्सट्रैक्शन करने का मतलब होता है एक प्रकार से कि सब्सट्रैक्शन का दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना, इस बात का अर्थ ये भी होता है कहीं ना कहीं कि दो वेक्टर को ऐड करना लेकिन उसके दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन को उलट के। जैसे देखो इसको समझने के लिए इसको ऐसा करते हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है इसमें माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हेडिंग दे दो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए वेक्टर हुआ ही, इसमें माइनस करना है तुमको, ए वेक्टर में माइनस करना है किसको बी वेक्टर को, ए वेक्टर में माइनस करना है बी वेक्टर को, तो इसको कैसे करोगे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर प्लस इसमें माइनस बी, मतलब कि दिस वन, ये माइनस बी सेम लेंथ लोगे और माइनस उल्टा डायरेक्शन में, इधर से तुम्हारा ये एंगल अगर ये थीटा था, ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा था, तो ये जो माइनस बी जो एंगल बनाएगा ये तुम्हारा पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच में, ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो तुम्हारा देख रहे हो और इसको अब कैसे ऐड करते हैं, ये दो वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल एक का हेड और एक का टेल को मैच करा के ट्रायंगल लॉ में बना सकते हैं। तो ए वेक्टर ये हो गया और इधर तुम्हारा हो गया माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, तो इसको क्या कर देते हैं यहाँ से इसका जो है इसका हेड और इसका टेल मैच कर गया, तो इसका टेल से इसके हेड तक को मैच करा दो तो क्या हो जाएगा ये रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर से ये अल्फा एंगल बना रहा है,
तो ये जो दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं, दोनों बीच के वेक्टर में कितना एंगल देख रहे हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इस फार्मूला पर आ जाएगा। जैसे इसको अगर तुम लिखना चाहो तो इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसको ऐसा कह सकते हो, इसमें घटा दे सकते हैं, और इसका डायग्राम ये ट्रायंगल लॉ से ऐड हो गया। तो इसका जाते फार्मूला में तुम्हारा ये चेंजिंग आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें तुम्हारा फार्मूला में एक ही चेंजिंग आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड और ए होता है माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बी ही होता है, तो जाहिर है कि इसको माइनस बी नहीं करोगे। तो टू ए बी, लेकिन दोनों के बीच का एंगल में फर्क है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो इसके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है। ये जो फिगर डायग्राम दोनों के क्या चीज़ के बीच में, टेल के बीच में देखोगे, ऐसा जो सर बताया थोड़ा सा देर पहले, ये कट इधर इधर तुम्हारा हेड जा रहा है, तो इसको आगे बढ़ा के देखोगे, इधर इसका टेल है, तो 180 माइनस थीटा नजर आ रहा है। तो 180 माइनस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि मैथमेटिक्स 2 से ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो में देखोगे, तो इसमें तुम्हारा साइन जो होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और साइन एंड कोसेक, और इसमें ऑल पॉजिटिव होता है तुम्हारा, इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये थर्ड, ये जीरो डिग्री है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है 90, और ये होता है तुम्हारा 180 डिग्री, और इसमें 270, और ये 360 तक चला जाएगा। ये सर्कुलर फंक्शन है, इसमें इसमें होता है तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों जो है निगेटिव होगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या होगा निगेटिव होगा। तो इसमें कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा जो कि हम लोग 180 में कुछ माइनस करेंगे, ये क्लॉक वाइज अगर ऐसे आ रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो इसका तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। और इसको और डिटेल में जानना चाहोगे तो ट्रिकोनोमेट्री के मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो में तुम आकर के देख लीजिए, ट्रिकोनोमेट्री जो कि मैथमेटिक्स का होगा, जो स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स के वीडियो में इसमें आकर के तुम्हें इसके ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, इसका कैसे एंगल चेंज होता है। तो फिलहाल थोड़ा सा बता दिए, और जहाँ तक है उसके लिए डिटेल में देखो। तो आर इक्वल्स टू तुम्हारा ये कहने का मतलब कि कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है तुम्हारा निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये होगा तुम्हारा, या 11 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो समझ जाओगे, जिसको अभी नहीं पढ़ा है या नहीं तो वीडियो जाके देखो तो वो आ जाएगा। तो तुम्हारा ये हो गया, ये रूट नर्थ, इसका वैल्यू जो है मॉडुलस ए माइनस बी में प्लस में प्लस होता था, माइनस में यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो देख लेते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये प्लस के जगह यहाँ बीच में क्या हो गया, माइनस आ गया, और यहाँ भी फॉर्मूला माइनस हो गया। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। तो एक तुम्हारा देख सकते हो इसको, वीडियो को अगर लिखना चाहो लिख लो, पॉज करके भी लिख सकते हो इसको। और इन सबों का नोट्स वगैरह तुम चाहो, नोट्स तुम्हारा जो है ऐप पर मिल जाएगा, इसका डिटेल नोट्स बढ़िया से लिखा हुआ, तुमको नोट्स जाकर राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आओ तो उसमें तुमको प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड कर लो इसको, और तुम्हारा मिल जाएगा नोट्स। और जहाँ तक है कुछ बहुत सब चीज़ इसमें देख लिया हुआ, तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन। एक क्वेश्चन जैसे एक को देते हैं, व्हाट इज एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है एक, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो इसका जो फार्मूला होता है, देखो ए प्लस बी का फार्मूला याद होगा, देख लेते हैं इसी से बढ़ाते जाते हैं आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा तुम्हारा, टू ए बी कॉस थीटा हो गया तुम्हारा, और इसका क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो दोनों का अब होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, फोर ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो, फोर ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच का एंगल ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल होगा, प्लस का और माइनस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला रख दिए, दोनों के बीच का एंगल निकल गया। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, इस तरह से तुमको समाप्त करते हैं इसको। तो एक सब्सट्रैक्शन हो गया, इसी वीडियो में चाहे तो एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कुछ बता देते हैं तुमको, या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है,
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अभी हमने जो है तुमको लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताया, फिर तुम्हारा था क्या चीज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, फिर हो गया तुम्हारा सब्सट्रैक्शन हो गया, और एंगल कैसे लेते हैं दोनों के बीच के एंगल का, दोनों दो वेक्टर के बीच का, जिसमें कि हमेशा टेल के बीच में लेना है या तो हेड के बीच में, एक का हेड और दूसरे के टेल के बीच का नहीं लेना, इस सब बात का जो वीडियो में फिर से रिपीट करके भी देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक इस वीडियो में डील कर लेते हैं, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन तुमको नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताया जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और क्वेश्चन वगैरह जो भी तुम्हारा दिक्कत हो, किसी की भी चर्चा पर्सनल डाउट हो, तो उसके लिए भी तुम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका कि तुम जो ऐप पर है उसमें मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट के लिए तुम्हारा ईमेल आईडी सारा चीज़ मिल जाएगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इस वर्ड का मतलब है कि किसी एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। एक वेक्टर है, इसको दो डायरेक्शन में हम तोड़ना, मतलब वेक्टर को किसी दो डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व करना, दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैक्ट हम लोग सीखेंगे रिजॉल्व करने के लिए। हम लोग का जो सिलेबस है उसमें दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या किया गया, रिजॉल्व करना। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन को तो एक तो हम लोग एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, वो वाई डायरेक्शन यूजुअली मानते हैं हम लोग, तो इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या होगा तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये ए वेक्टर, रिजोल्यूशन का मतलब होता है इसका कंपोनेंट यहां से निकालना है, ये इसको जो जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ उसका ओरिजिन मान लो, और ये लास्ट पॉइंट जहां पर टेल है यहां पर ए मान लो। तो पहला वेक्टर का इसका एक्स एक्सिस पर रिजोल्यूशन का मतलब यहाँ से पर्टिकुलर डाल ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पर, तो ये जो पार्ट हुआ एल, तो ओ एल हुआ क्या चीज़ रिजॉल्व पार्ट लोग एक्स एक्सिस, और यहाँ से इस पर पर्टिकुलर डाल दो दैट इज एम, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया। तो ओ एल को हम लोग कहेंगे ओ एल इक्वल्स टू रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए वेक्टर along x-axis, OM बराबर क्या हो गया OL हो गया रिजल्ट पार्ट ऑफ वेक्टर along y-axis, ये हो गया। तो इसका वैल्यू निकालना है, अगर तुम्हें ये जो एंगल है ये एंगल गिवेन है तुम्हें थीटा, देन व्हाट इज द रिजल्ट पार्ट along x-axis। तो इसको जाए ट्रिकोनोमेट्री से देखें, तो हम लोग का ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, तो ये जो है तुम्हारा जो एक्स यहाँ से पर्टिकुलर डायरेक्ट किया जो कि एक्स के डायरेक्शन में आया, तो ये इट इज़ ओ एल का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये फाइंड आउट, ये एंगल थीटा तुम्हें पता है, तो ये जो है बहुत इजी बात हो गया, कोसाइन का अगर प्रयोग करें तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होगा, तो ये रिजॉल्व पार्ट हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ओ एल बाय ओ ए, ट्रायंगल का नाम तुम लिख सकते हो ट्रायंगल ओ ए एल में इन ट्रायंगल, तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ एल बाय ओ ए, तो ओ एल इक्वल टू क्या हो गया ओ ए कॉस थीटा, ओ ए इंटू कॉस थीटा, तो ओ एल इज इक्वल टू हो गया मॉडुलस ए इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ओ एल को हम लोग ये एक्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन है, तो इसको ए एक्स भी कह सकते हो, दैट्स इक्वल टू सिंपली मॉडुलस ए कॉस थीटा या ए कॉस थीटा। तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये निकल गया तुम्हारा ओ एल, जिसको कर रहे हैं ए कॉस थीटा के बराबर। अगर हम लोग इसी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग जो देखें, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है तुम्हारा ट्रेंगल, ये देख लेते हैं ओ एम है, तो इसको ओ ए एम ट्रेंगल से निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये तुम्हारा क्या होगा अल्टरनेट एंगल है, ये भी थीटा फाइंड आउट हो गया तुम्हारा ज्योमेट्री से। तो अगर यहाँ पर देखें छोटा सा ही बनेगा तुमको, यहाँ भी बन जाएगा ओ एम ए में देखें, तो साइन थीटा लगा दो इसमें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ओ एम बाय ओ ए, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा मॉडुलस ए ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो ओ एम हो गया जो कि ए वाई वाई कंपोनेंट हो गया, दैट इज ए साइन थीटा, भी सिंपली लिख सकते हो कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इस बात का देख रहे हैं कि इधर जिस डायरेक्शन से एंगल बना था उधर कॉस आया, दूसरे की तरफ क्या आ गया साइन आ गया, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं इधर से एंगल थीटा बन रहा, इधर से एंगल कितना बन रहा 90 माइनस थीटा, तो इधर भी अगर कॉस ही लगाएं तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा फाइनली हो गया। तो एक एक तरीका ये होता है व्यवहारिक इसको कहने का, जिस किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन अगर करना हो तो एक तो हो गया जिधर से एंगल बन रहा है उधर कॉस लिखिए, दूसरा उससे पर्टिकुलर डायरेक्शन में साइन लिखिए, और दूसरा ध्यान रहे कि जो जिस जब दो डायरेक्शन को काटते बांटते हैं वेक्टर, तो ये दोनों जो जब रिजॉल्व पार्ट के बीच में होता रहे ये जिस वेक्टर को बांट रहे हैं, एकदम से रिजल्टेंट का काम करता है ये।
मतलब ये उल्टा प्रोसेस हुआ। देखो ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा मेरा, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट बना, दैट इज ये कंपोनेंट होगा जिधर से एंगल बन रहा है थीटा, उधर से एक कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा। इस बात को हमने ये कहा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये वेक्टर जब भी रहेगा इसके दोनों के कंपोनेंट के बीच में रहेगा, ये बात ध्यान रखना फिगर ड्रा करने में। दूसरा हमने कहा कि एक तरीका इसको करने का, अगर इधर से एक्स एक्स थीटा एंगल बन रहा है और वाई से 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो दोनों साइड अपने कॉस से ही मल्टीप्लाई करते, इधर एक्स से एक कॉस थीटा हो गया, इधर कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज योर साइन थीटा, ऑटोमेटिक हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस ढंग से हम लोग इसको रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो रिजोल्यूशन में जैसे कि होता है प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कहने का माइनस का, जैसे कि अगर तुम्हारा इक्वल वेक्टर इधर जा रहा है और तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस इधर है, तो ये जो तुम्हारा देख रहे हो तो ये जो तुम्हारा एंगल कितना बना ये पता हो, अगर मान लेते हैं ये दे दिया कि हमने एंगल इतना बनाया 30 डिग्री, तो इसका रिजोल्व पार्ट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 यूनिट है, तो ये जो रिजोल्व पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये इसका देखो ये कैसे जाएगा और ये कैसे जाएगा। तो एक ये देखा जा रहा है कि इसका रिजोल्व पार्ट जो वाई में भी निगेटिव है ये, और ये एक्स में भी ये क्या भाग है, रिजोल्व पार्ट निगेटिव है। तो जो भी आपका जैसे कि एंगल जो बन रहा है, तो आप जैसे 5 इधर क्या हो जाएगा, इधर एंगल 30 डिग्री है तो 5 cos 30 इधर लिखिए, लेकिन माइनस 5 cos 30 हो जाएगा तेरा, माइनस 5 cos 30, क्योंकि ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव इधर आपने लिया है तो इधर की तरफ क्या होगा माइनस cos 30, ये वाई आपका ऊपर है तो माइनस इधर क्या हो जाएगा माइनस 5 sin 30 हो जाएगा, इस साइड ये भी निगेटिव होगा माइनस sin 30, या इधर से लेना चाहेंगे आप एंगल 60 है तो 5 और 5 cos 60 माइनस 5 cos 60 भी लिख सकते हो। तो जाहिर है तुम ये समझ गया होगा कि अगर तुमको जो इसको हमने क्या किया एक्स वाई एक्सिस इधर था, तो रिजोल्व पार्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पर पर्टिकुलर जब डाला तो ये देख रहे हैं ये निगेटिव, ये देखो एक्स पॉजिटिव इधर है इसका निगेटिव साइड भाग रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये ट्रायंगल में भी जाके निकालोगे तुम्हारा क्या जाएगा ये 5 cos 30 आएगा, और ये जो तुम्हारा आएगा 5 sin 30 आएगा, लेकिन ये माइनस एक्स में इसलिए माइनस 5 cos 30 लिखेंगे एक एक्स का कंपोनेंट, और वाई में लिखेंगे इसका माइनस 5 sin 30। तो उसी टाइप से और भी जैसे दूसरा फिगर में कब प्लस होगा कब माइनस, अगर ये इस क्वाड्रेंट में अगर इधर डालती है इसी चीज़ को, हम लोग डायग्राम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज यूजुअल रखते हैं, ये 45 डिग्री है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता, तो देखो इसका जो जो कंपोनेंट क्या होता, इसका कंपोनेंट जब निकालेंगे तो एक तुम्हारा देखो निगेटिव साइड जा रहा है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा, तो इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा जो भी 10 cos 45 लग रहा है, और इधर 10 sin 45 है, बट ये निगेटिव है यहाँ माइनस लगाइए आप, तो ये तुमको और दो जाहिर है कि देखो जब इसको हमने कंपोनेंट तोड़ा दोनों पार्ट के देखो बीच में आ रहा है ये दोनों कंपोनेंट इधर है और इसके बीच से जहाँ निकल रहा है उसी ढंग से उसमें भी देख सकते हो। तो इस ढंग से रिजोल्यूशन को रिजोल्व करने में तुम इस बात का ध्यान रख सकते हो। दूसरा एक और डायग्राम हो सकता है तुम्हारा इस पार्ट में, इस डायग्राम में जैसे कि ये तुम्हारा है तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें देखोगे ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस तुम्हारा, इसमें अगर देख रहे हो इधर जा रहा है एक्स इधर वाई, तो इसमें क्या जा रहा है तुम्हारा वाई पॉजिटिव जा रहा है और एक्स क्या जा रहा है तेरा निगेटिव, ये एक्स निगेटिव में है और वाई तेरा कंपोनेंट क्या आ रहा है यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, और एंगल जो भी होगा मैंने 5 है एंगल है तो उसका मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। तो इस चारों क्वाड्रेंट में मैंने बता दिया एक एक चीज़ किधर कब पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो इसके आधार पर तुम कंपोनेंट को क्या कर सकते हो तोड़ सकते हो। और वेक्टर को ऐड करने का भी एक रूल होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के आधार पर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को ठीक से देख लो और वेक्टर को जब क्वेश्चन बना सकते हो इसमें, जिसमें कि देखोगे जैसे शर्मा का 5 नंबर क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर देंगे, तो रिजोल्यूशन के आधार पर भी बहुत ज़्यादा वेक्टर हो 3 या 4 ज़्यादा वेक्टर हो, 3 वेक्टर है तो पहले एक तरीका तो मैंने कहा जो अप्लाई कर सकते हो 2 वेक्टर रिजल्टेंट निकाल के उसके रिजल्टेंट से तीसरा को ऐड कर दो। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि तीनों चारों जितना भी वेक्टर है उसका एक्स पार्ट और वाई पार्ट को रिजॉल्व करके उसको हमको ऐड करना पड़ता है, तो जिसका एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी बता दिया जाएगा और इस प्रकार क्या हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा दोनों को कवर कर दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी होगा जिसमें वेक्टर दो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हैं तुम्हारे, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर को क्रॉस भी कहते हैं, दोनों का है कुछ जीरो वेक्टर, ये सब भी कुछ टर्म्स हैं जिसका चर्चा जो बच गया और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बताए जाएंगे तो जाहिर है कि उसका वीडियो देख सकते हो। और कहीं भी तुमको परेशानी हो इसमें क्वेश्चन वगैरह बताने में, क्वेश्चन में जहाँ भी समस्या आती है जो दिक्कत हो रही हो तो क्वेश्चन के लिए तुम या पर्सनल नंबर किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में परेशानी हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे राज ट्यूटोरियल ऐप पर, उसमें लाइव क्लास भी मिल जाएंगे, पर्सनल डाउट के लिए भी तुम सेशन है, सारे चीज़ की उसमें सुविधा है और उसको कर सकते हैं। इसी साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के लिए मिलते हैं। थैंक यू।